फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। भाई मेरा नाम है यादवेंद्र चौहान। भाई आप देख रहे हो एक और नई वीडियो। मैं बता देता हूँ भाई, आजकल कूपे स्टाइल की बहुत ज़्यादा गाड़ी लॉन्च कर दी, टाटा ने भी कर दी, एक अपनी कर दी है, ये सिट्रोन के जो सामने खड़े इसमें। तो चाबी से शुरुआत कर देते, लेट थोड़ा सा भाई, जल्दी कर देते। एक बार ये चाबी है आपकी लॉक अनलॉक, एक तो की ऐसी मिलती है, सिट्रोन का लोगो मिल जाता है, पीछे मिल जाती है आपको ऐसी कुछ ये फिजिकल की नॉर्मल। ये भाई देखो, ऐसी सेडान आती थी पहले ऐसे इस टाइप से, मैं आपको दिखाई रहता हूँ कि कैसा कुछ क्या होता है। आप यहाँ से ही बूट खोल सकते हो, ये मतलब एसयूवी गाड़ी में आपको बूट प्रॉपर मिलने लगा है, यानी सेडान जैसा बूट एक एसयूवी गाड़ी में आप देख सकते हो, ठीक है। ये भाई 7,99,000 से शुरू हो जाती है आपका एक्स शोरूम बेस मॉडल। टॉप मॉडल जाता है आपका 1383 का, एक्स शोरूम बता रहा हूँ। अब फ्रंट में लुक से बात आ जाती है, कैसा कुछ लुक देती है भाई, ये सामने से लुक ऐसी कुछ मिल रही है, सेम वही टिपिकल जो पहले गाड़ी आती थी ना उस टाइप से ही दी गई है। सामने से हल्का फुल्का फर्क होता है ग्रिल्स का, वो आप देख सकते हो। हेडलैम्प आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, ADRLs मिल गए, यहाँ से मैट्रिक वाले मिल जाते हैं जो आपको इंडिकेटर देंगे, फोग लैम्प नीचे, ग्रिल आपको ये आपको मैट फिनिश में, स्किड प्लेट इसलिए दी गई यार गाड़ी नीचे से लग जाए तो निशान ना हो, इसे ट्रेन का लोगो सामने से भाई नहीं बता सकते आप कूपे स्टाइल है। थोड़ा साइड से जाओगे ना तब पता चलेगा, हाँ भाई कूपे स्टाइल है गाड़ी। इसमें देखो वो पीछे खड़ी आप एक अपनी सिट्रोन की, उसमें नहीं है, एसयूवी है प्रॉपर, और इसमें एसयूवी के साथ बूट भी स्पेस आपको मिल जाता है। साइड से भाई अलॉय बहुत प्यारे दिए गए हैं आपके, ये आपके अलॉय देख लो डायमंड कट, और आपको साइड से दिखाऊँ ना मैं आपको कितने दिए गए, 205/60R16 इंच के टायर है। डिस्क आपको सामने मिल जाता है, ये इंडिकेटर आपको ऑरियन पे, ब्लैक पिलर पे नहीं मिलेगा, रूफ आपको ब्लैक मिलेगी, शार्क फिन एंटीना होगा, डिफोगर होगा, यानी सेडान की तरह आपको वाइपर नहीं मिलेगा, डिफोगर जरूर मिलेगा। सिट्रोन का लोगो, बसाल्ट की बेजिंग, दो पार्किंग सेंसर हो गए पीछे, ये नंबर प्लेट का लगाने सिट्रोन के साथ लोगो भी, ठीक है। ये आपको प्योर टैक यानी आपको मिडिल मॉडल मॉडल मिल जाता है प्योर टैक के साथ, ठीक है। साइड से ऐसा कुछ देखो, यहाँ से आप फ्यूल डाल सकते हो, पेट्रोल, ये पेट्रोल में आती है भाई, ठीक है, पेट्रोल में आती है 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ और 1.2 टर्बो GDI के साथ, यानी टर्बो वाला इंजन आता है। अब इसके अंदर चल जाते हैं भाई, लॉक करोगे तो ये लॉक होगी गाड़ी, अनलॉक करोगे तो अनलॉक हो जाएगी। अब बैठते हैं अनलॉक, यहाँ से आपको इंडिकेटर जल रहे होंगे। अंदर जाओगे ये टिपिकल अपने वो नॉर्मल वाले ही हैंडल मिलते हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट अंदर बैठे, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है फ्रंट आगे पीछे, ये आपको ये फुल लीड का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर आपको दिए गए, चारों पावर विंडो मिलती है, हैंडल मिल जाते हैं। आप कर देते हैं यहाँ से बंद इसको, बैठे हुए तो साइड से ऐसा कुछ मिलता है। चाबी फिजिकल की है, ये आपको मिडिल मॉडल है तो भाई यहाँ पे फिजिकल की लगाओ ऐसे करके, और इसको ऐसे मीटर मिलता है आपको पूरा का पूरा ये LED में, भाई बहुत बढ़िया दिया गया है मीटर आपको, LED मिलता है। मेन्यू का हो गया ये, आप मेन्यू दबा सकते हो, ओके दबा सकते हो, यहाँ से चेंज हो रहा है देखो भाई, यहाँ से दबा के थोड़ा उल्ट सिस्टम तो है पर चेंज हो रहा है। ये शोर्स का हो गया, ये कॉल पिक एंड कट का हो गया, ठीक है भाई, ऐसा कुछ देगा। लाइट्स के कंट्रोल दिए जाते हैं, यहाँ पे लाइट्स दी गई है कंट्रोल, ठीक है भाई, अपर बीम लोअर बीम, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये वाइपर के कंट्रोल 1, 2, 3 और ये सिंपल सा IRVM दिया गया ऑटो डिमिंग के साथ, देख रहे भाई एंड्रॉइड ऑटो मिलता है भाई, एप्पल कारप्ले नहीं है भाई, एप्पल कारप्ले नहीं है, देखो भाई चलो एंड्रॉइड ऑटो तो दिया, कम से कम ऑटोमेटिक AC होगा, लो करोगे हाई करोगे ये दिया गया भाई, लो हो गया थोड़ा बटन तो यार सभी ऐसे देने लगे। दो कप होल्डर, सम स्पेस, ये कुछ स्पेस, 12 वोल्ट का सॉकेट एक ये, और कुछ आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है कुछ वगैरह, एक एयरबैग होगा, एक यहाँ पे होगा। स्टीयरिंग बड़ा प्यारा दिया गया भाई, मस्त आ रही है फील, 6 स्पीड है तो ये टर्बो वाला है भाई उठा के रिवर्स लगा सकते हो कैमरा की क्वालिटी देख लो, गाइडलाइन मूवेबल नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा आगे तो ले सकते हैं इसको ऐसे करके, जैसे आगे ले लेंगे तो आगे तो हो जाएगी, ये सिंपल सा आगे करोगे तो आगे होगी, ठीक है, और करोगे तो थोड़ा सा और आगे हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाए, आर्म रेस्ट भाई वाह एडजस्टेबल दी गई है, ओके मैं मेरी हाइट का अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ एक सेकेंड, सीट पूरी, ठीक है। ट्विटर भी दिए गए भाई, मस्त सा ट्विटर दिया गया। ये लाइट्स मिल जाती है, सनग्लास होल्ड वाइजर सॉरी मिरर दिया गया, ये ग्रैब हैंडल, ठीक है, पावर विंडो ऑटो ना है भाई, ड्राइवर साइड वाली ना है भाई, ना है ड्राइवर साइड वाली, अब चला पीछे। ये आपको मिल जाते हैं ये फोल्डेबल, वो फोल्ड हो गए, ये करोगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड एडजस्टमेंट कर सकते हो, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ये चाइल्ड का हो गया भाई। ये सी वेंट्स दिए गए हैं, एक एयर है, दो एयर हो गए आपके पास।
अब चलते हैं पीछे, कुछ रह तो नहीं गया आगे वाला, मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया। ये करो बंद, अब चलते हैं पीछे। मेरी स्पेस एडजस्टमेंट बताता हूँ भाई, इसके टॉप मॉडल में भाई आपको एक बताता हूँ, थाई एडजस्टमेंट भी आती है जो किसी गाड़ी किसी सेगमेंट में ही नहीं आती, जो इसके कूपे स्टाइल वाला है। ठीक है, अब चलेंगे अंदर। अंदर इजी भाई, एक तो डोर बहुत वाइड खुल रहा था, इजी बैठ सकते हो भाई। वाह, स्पेसिंग कोई वाली बात है, स्पेस एसयूवी में कम होता था, स्पेस नहीं था, तो कूपे स्टाइल से बड़ी कर दी तो सेडान वाला स्पेस भी मिल गया। दो एसी वेंट्स आपको पीछे मिल जाते हैं, USB टाइप और आर्म रेस्ट तो मिल ही जाती है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट हो गए, ठीक है दोनों। आर्म रेस्ट भी पार्शियलिटी आपको बड़ी वाली मिल रही है, ये आपको येलो लाइट हो गई। आगे से आप देख सकते हो एक नंबर का वो दिया गया है भाई, क्या लुक। ठीक है, अब अगर पीछे जाओगे आपको थोड़ा सार्क फिन एंटीना के साथ आपको पीछे देखोगे ऐसा कुछ बूट स्पेस मिलता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, चाबी मैंने अंदर रख दी। ये कुछ कैमरा दिया गया है, बसाल्ट की बैजिंग होगी। ये पूरा जो सेडान का, जैसे भाई कई सोचते थे एसयूवी में नहीं बनता बात, पर अब देखो भाई एसयूवी में सेडान वाला बूट स्पेस, ये देखो। अब स्पेयर टायर भी दिखा देता हूँ आपको, स्पेयर टायर मिलता है, जैक वगैरह आपको यहीं पे मिल जाते हैं, अलॉय नहीं मिलता, ये सिंपल 1 इंच छोटा मिलता है 15 वाला। ठीक है, आपको एक बार बोनेट खोल के और दिखा देता हूँ। 60-40 स्प्लिट नहीं है इसमें, ये करा बंद भाई, थोड़ा मुश्किल तो है भाई, ये करा बंद। क्रेटा सेल्टोस से तो भाई बहुत लंबी गाड़ी है ये करा यहाँ से ओपन खोला, आपको ये और दिखा देता हूँ मैं यहाँ से ऑन कर। ये देखो भाई, इंसुलेशन भी दी गई है भाई, इंसुलेशन आपको ये भाई टर्बो वाला आपका दिया गया, ये माइलेज निकाल देगा आपको 10-12 आराम से दे देगा शहर में, और बढ़िया 14-15 आपको हाईवे पे दे देगा। टर्बो वाला इंजन है, 1.2 टर्बो 6-speed मैनुअल। ठीक है, ऑटोमेटिक में भी आप अवेलेबल कर सकते हो भाई, काफ़ी हैवी दी गई है इसकी क्वालिटी, यानी नहीं हल्की नहीं है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो यहीं से बंद, ठीक है, हुआ या नहीं हुआ भाई? हो गया बंद भाई, हो गया बंद, हो गया। काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है। ठीक है अब भाई, यही कुछ वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर देना भाई। ठीक है, आपकी चाबी और दिखा देता हूँ लास्ट में, अगर मैं भूल गया हूँ तो। ये देखो भाई, ऐसी कुछ चाबी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।